और ये हमारा बैग पैक हो गया है। इसके अंदर अभी एक छोटा बैग और है जिसके अंदर हमारी सारे फर्स्ट एड किट है, कुछ हमारी जो मोबाइल स्टिक है और एक तो गैजेट्स और हैं, और एक हमारी ड्रेस है एक जोड़ी। तो ये सारा सब कुछ इसके अंदर आ गया और काफ़ी स्पेस अभी भी है क्योंकि आगे से फोल्ड करके पैक होता है। इसमें हमारा थोड़ा सा खाने के लिए है। और ये वाला छोटा बैग है, इसके अंदर हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रहेंगे। और बाकी अभी इसको अभी रात को ही जाके बाइक के ऊपर बांध देंगे जिससे कल सुबह जल्दी निकले तो हम लेट ना हो। और ये अपना बैग हो गया है रेडी, इस पर हमने बांध दिया है। ये इसके जो वीडियो में हम नहीं बता पाए थे, इसके साथ में बैग के अंदर ये भी थे, स्ट्रिप्स भी आई थी, ये स्ट्रैप है जो इसकी जिन पे कस की आपस में बंधा है, ये हुक टाइप में इसमें अटकेंगे जो ये है। और यहाँ से इसको पकड़े टाइट कर देते हैं जिससे कि ये कहीं नहीं हिलेगा। अब ये इसमें बैग जो हम पिट्ठू की तरह टांग सकते हैं वो वाले इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं, ये साथ में अभी हमने इसमें जोड़ दिए हैं। वहाँ पे अगर बैग लेके उतार के चलना ही पड़ेगा तो ठीक रहेगा। तो अभी चलिए इतने सुबह का इंतज़ार करते हैं और सो जाते हैं और फिर निकलते हैं सुबह सुबह जल्दी टूर के लिए। हमारी बाइक रेडी है, सेटअप पूरा है जिससे कल का टाइम हमारा बचेगा निकलते टाइम, ये बार बार कसना नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको मैं लगा रहा था तो मेरे को पता नहीं कैसे कैसे क्या होगा। तो अभी ये काफ़ी मशक्क़त के बाद समझ में आया कैसे ये बांधा जाएगा। तो चलिए इतने गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आप लोगों से अलवर के रास्ते में। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और बस अभी निकलने की तैयारी है। अब हो गए हैं रेडी, ये हम सेटअप अपना पूरा रेडी है तो अभी हम चलते हैं। और चलिए और बस अभी हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, थोड़ा सा दूर और रह गया है, मैक्सिमम 5 मिनट्स और लगेंगे हमें पहुंचने में। हमको गुड़गांव टोल पर रेडिएशन होटल के अपोजिट में मिलना है। सभी बाइकर्स वहीं पे आएंगे और यहीं पे हमारी ये ऑफ रोडिंग चालू हो गई है। ऐसे रोड अगर आगे तक रहेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। तो अभी चलिए जल्दी से फटाफट वहाँ पे उनके पास पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ मिलेंगे सभी से आपको बताते हैं हम कौन कौन सी बाइक्स हमारे साथ जा रही हैं। और ये पहुँच गए हैं हम यहाँ पे अपने गुड़गांव टोल पर। यहाँ से सारी बाइक्स अपनी निकलेंगी एक साथ में, कुछ गाड़ियाँ भी हैं। पहले तो दिखा देते हैं आपको हमारे पास साथ कौन कौन सी बाइकें चलेंगी। ये CB 300 है, 350 है, ये अपनी थंडर बर्ड है और ये भी एक और CB 350 है, ये अपने वाली है। यहाँ पे एक बुलेट है, वहाँ पे KTM 390 है, सुजुकी भी स्ट्रोम है और उधर एक और बुलेट है। ये सारे ये विशाल भैया अपने तो अभी सारे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बातें होंगी सभी के नाम याद आएंगे, आधे के तो नाम भूला बैठा हूँ मैं क्योंकि पहली बार मिले हैं सभी से तो इसलिए। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे जब आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे। और आज जो ये चिन करटेन वाला जुगाड़ हम करके चले हैं घर से, इसने भाई सुबह बिल्कुल बचाया ठंड से, बहुत ज़्यादा बहुत फ़ायदा देता है। और ये अपना जो मुँह पे मास्क लगाते हैं उसी को कट करके मैंने इसको चिन करटेन के उसमें लगाया है, ये कॉर्नर्स में इसमें डाल दिया है। थोड़ी बहुत जगह डालते टाइम ये फट भी गया है पर कोई नहीं, लेकिन सर्दी से तो बचा ही रहा है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहा है। नहीं तो जुगाड़ हमारा चल गया, नहीं 2000-3000 का इस तरह से इसका दिखा रहे हो पूरा, उसमें हेलमेट में पूरे में ऐसे कवर करने वाला मिल रहा था। नॉर्मल वैसे 300-400 का आता है जो चिन करटेन, अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो ये भी नहीं पता कि इसमें फिट होएगा या नहीं होएगा, तो रिस्क था एक। तो फिर भी हमने एक जुगाड़ किया अभी। तो अभी हम पहुँचे हैं मन्नत ढाबे पे और विशाल भाई जी और मैं ही दो राइडर पहुँच पाए हैं अभी, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था उस चक्कर में नहीं निकल पाए। तो अभी और राइडर्स भी हमारे आने वाले हैं जो कुछ गाड़ी में, तो उनको थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो ये कौन सी जगह है? मानेसर क्रॉस की है, मानेसर क्रॉस की है ना। अभी
आए मानेसर से आके जमुना ढाबा, उस पर भी रुके थोड़ा ब्रेक के लिए। और ये विशाल भाई जी सबको सूचना देते हो कि हम पहुंच गए हैं, फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर। तो ये सारे हमारे राइडर्स आ गए हैं, इनका हेलमेट मेरे को बहुत पसंद आया, ये मस्त वाली लुक है भैया, बहुत अच्छी बाइक चला रहे टच वुड भैया, मेरे को लगा भैया दिखे नहीं, भैया फिर से पहले पहुंच गए भैया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये बाकी राइडर्स भी हमारे आ गए हैं, ये बात लाइट झकास है। और ये भाई अपना भोजन हो गया अभी, और अभी चलने की तैयारी है, और आधे राइडर्स हमारे वहां पहुंच चुके हैं, तो चलो भैया चलते हैं सभी अभी। तो अभी सभी चल पड़े हैं, अभी चल रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं निकलने की तैयारी, अभी 150 किलोमीटर और आगे जाना है। ये आयुषा ग्रुप गया, काफ़ी सारी आयुषा गई है, एक तो यहाँ भी खड़ी है, ये भी नई निकलवा के लेके आए, तो चले चलो चलने की तैयारी। और ये माइक वाले भाई साहब हमारे हमको चिढ़ा रहे हैं कि हमारे पास माइक है, हम चलती बाइक पे भी बात कर सकते हैं। सर हमारे ये फ्रंट कैमरा हमारा है फोन का, जो हमने माउंट लगाया था उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसी का बस ये टेस्टिंग है, हमें नहीं पता भाई कैसा क्या ये आएगा और कैसी क्या साउंड रहने वाली है, तो थोड़ी देर के लिए हमने लगाया है चेक करने के लिए किस प्रकार का एंगल आता है कैसा आएगा। चलो देख, ये सभी राइडर्स बिल्कुल सामने अपने जा रहे हैं, और ये अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है आउट ऑफ दिल्ली का, जो इस प्रकार से हम टूर पर निकले हैं। और ये हमारे जितने भी राइडर्स हैं इनमें से काफ़ी जो ऐसे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं राइड पे, जितना भी ये है अभी बहुत सही है, अच्छा फील हो रहा है, आसपास का नज़ारा भी बढ़िया है, ये रोड भी बढ़िया है, ये नहीं है कि भाई टूटे पड़े हैं या और कुछ है, अभी तक तो सब कुछ अच्छे से स्मूथ जा रहा है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, एनर्जी काफ़ी है सभी में। और ये अपना अभी बस निकल लिए हैं जितने भी हैं, और अभी आगे जाके आपको सीधा बस दिखाते हैं अलवर पहुँच कर ही। भाई जी ने भी और मैंने भी, और इतने आप नज़ारा देखो थोड़ा, यहाँ पे पूरी पहाड़ियाँ हैं शुरू हो गई यहाँ से, उस कोने से चालू हो जाती है। तो अभी निकलने का टाइम हो गया, अभी निकलते हैं बस, लगभग लगभग पहुँच गए हम अलवर के पास। और बाकी इसमें जितना भी अभी तक हमने सफ़र तय किया है वो कंटिन्यू हम बाइक राइड कर रहे हैं, बस बीच में एक या दो मिनट पाँच मिनट के लिए रुक गए कोई फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे मानेसर के पास बस ढाबे पर रुके थे, उसके बाद से कंटिन्यू अभी हम चले जा रहे हैं, तो लगभग एक डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया हमको लगातार ड्राइव करते हुए। तो बस अभी ये पहुँचते ही सारे नज़ारे आपको दिखाएंगे, सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। और अभी हम पहुंच गए हैं अलवर टाइगर रिजर्व वाले रास्ते पे, एग्जैक्ट नहीं पता है हमें कहाँ आया हम, तो लेकिन है रास्ता यही पांडुपुर की तरफ जाने वाला। और अभी हम टी ब्रेक के लिए, तो ये है भाई मोर स्वीट्स के पास टी ब्रेक के लिए अभी रुके हैं, आगे अभी देखेंगे कहाँ पे जाना हमें, पांडुपुर कौन सा रास्ता जाएगा, हाँ तो जैसे ही अपने पीछे है ये वाला सीधा रास्ता जाएगा एक उधर का, और इस वाले रास्ते में हम जाएंगे, तो इतने दोबारा से टाटा बाय बाय। और ये आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, इनको जरा लघु शंका बड़ी तेज लगी थी इसलिए भाग गए बाइक छोड़ के, सामान देखो यही भाई ऐसे ही छोड़ के करने का। और अभी ये हम पहुंच गए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंचुरी, और अभी हमको इस तरफ जाने का है, ये पूरा ऑफ रोड है, अभी काम चल रहा है इसका रोड बनाने का,
तो अभी चलते हैं। पांडु पुल और कपड़ों के बैग की हालत से आपको दिख रहा होगा कैसे क्या हालत हो रखी है। ये ऑफ रोडिंग का मजा ये है इसमें, यहाँ पर पूरा सारे के रेत जहाँ बैठे थे बस वो सीखता, बाकी सारा धूड़म धूड़ रहती रेत। ये खस्ता हालत में उससे खस्ता हालत में हमारे हेलमेट, हमारा सामान और सबसे खस्ता हालत में आप पहुंचा है। लो भाई जी, श्री हनुमान महाराज पांडव पुल सरिस्का अलवर के दर्शन कर लो जी। और ये अभी पहुंच गए हम श्री हनुमान मंदिर, यहाँ पे आरती का हो रहा है समय। इस मंदिर के जो है पांडव द्वारा कर बनवाया गया है मंदिर, तो इसका जो इतिहास जो बताते हैं यहाँ पे वो ये है कि जब पांडवों को रास्ता नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का अज्ञातवास में इन पहाड़ियों के बीच में, तो भीम ने एक पर्वत को तोड़ने के लिए अपनी गदा चलाई बता रहे। उसके बाद जो अभिमान हो गया भीम को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर हनुमान जी को कहा गया कि भाई भीम को कुछ ज़्यादा अभिमान है तो फिर मैं उसका अभिमान कम करो। तो उस समय जो वृद्ध वानर के रूप में जो हनुमान जी यहाँ पे आए थे अपनी पूँछ को फैलाकर लेटे हुए थे, और भीम जी को कहा, तो भीम जब रास्ते से जा रहे थे तो वृद्ध वानर के साथ उनका आमना सामना हुआ, तो उन्होंने पूछ हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अपनी पूछ नहीं हटा सकता, तो तुम ही उठा लो। तो उस समय भीम ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन वो वृद्ध वानर की पूछ ना हटा पाए। उसके बाद वृद्ध वानर ने अपना असली रूप दिखाया और भीम ने उनसे क्षमा मांगी। जब हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर एक मेरा मंदिर बनाया जाए पे कोई भी भाई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले ही, और जो अंदर शिलालेख लगा है उसका भी मैं फोटो डाल दूंगा, जिनको भी इस मंदिर के बारे में इतिहास पढ़ना है जानना है तो वो कृपया उसमें से सटीक रूप से पढ़ सकते हैं। तो अगर मेरे से कहीं पे भी कोई त्रुटि रह जाती है बताने में तो कृपया मेरे को क्षमा कीजिएगा। कोई सा भी ना बड़ा फोन ना आइडिया, तो यहाँ पे आपको बताएंगे वीडियो के बाद किसी से पूछ के उनका नेटवर्क यहाँ पे रहता है, और कोई भी आए तो वही उस हिसाब से बने आना जिसको भी इंटरनेट वगैरह रहता है। और इससे 1 किलोमीटर आगे उस तरफ सीधा आगे जाएं तो बाइक जाने का रास्ता बता रहे हैं, वैसे पैदल जाया जाता है। तो 1 किलोमीटर आगे जहाँ पे भीम ने वो पहाड़ तोड़ा था वो वाला मंदिर एक और ये वाला 1 किलोमीटर बाद में जो हनुमान जी ने जैसा आदेश किया था कि 1 किलोमीटर यहाँ पे जो हनुमान जी की पूछ नहीं उठी थी उसका जी का जो दमन टूटा था वो मंदिर यहाँ वो तो वहाँ उठाते हुए हमारे एक आराधी राइडर जा रहे हैं। और ये हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ वापस, और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, पूरा ऑफ रोड है जहाँ से हमने एंट्री किया था वहाँ से लेके और ये पांडव पुल तक, यहाँ पे ये पहाड़ियों का नज़ारा है सारा। तो अब गया आपको
होटल पहुंच के फिर आपको बताते हैं आगे का कहाँ पे क्या है। अगर कोई बीच में हिरन या और कुछ दिखेगा तो उसके भी हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएं, कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। चलते चलते ही ये लेफ्ट साइड पे हिरन दिख गए हमें और ये यहाँ पे भाई रुक गए हैं फ़ोटो लेने के लिए, निचल पड़े हैं। जल्दी से अभी पहुंचते हैं हम अपने रूम पर जो होटल बुक करा अवेले बुक कर रखे हैं वहाँ पर। बाकी वीडियो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं रास्ते की, जो भी चीज़ें पते करते हैं। इतने टाटा बाय बाय।